हेलो एवरीवन, मैं इमरान, इमरान टेक्निक चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एमआई में फ्लिपकार्ट से मोबाइल ख़रीदारी कैसे करें। एमआई में आप फ्लिपकार्ट में मोबाइल कैसे ख़रीद सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले सिंपल सा फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो फ़ोन लेना है उस फ़ोन को आपको यहाँ सर्च करना है। तो मुझे रियलमी लेना, रियलमी 8 प्रो लेना है, जो कि मैंने सर्च बार में यहाँ पर है, आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे। आपको जो फ़ोन है लेना है उस फ़ोन आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे। तो सिंपल से आपको बायनो में क्लिक करना है। बायनो में क्लिक कर लेते हैं। बायनो में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, तो आपको सिंपल सा इसमें आपको इस तरह क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे। तो सिंपल सा आपको कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे, जो कि अभी नेट सोलो चल रहा है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे। इसमें आप UPI से, वॉलेट से, क्रेडिट कार्ड से, ATM कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या यहाँ आपको EMI को यहाँ मिल जाएगा। इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे। इसमें जो आपको बैंक दिया हुआ है, इसमें आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से नहीं ले सकते हैं। तो सिंपल सा आपको जो बैंक है उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलो मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप 3 मंथ का अगर आप लेते हैं मतलब EMI पर, तो आपको 6,812 रुपये आपको पर मंथ लगेगा। अगर आप 6 मंथ में लेते हैं तो आपको 3,461 रुपया लगेगा। अगर आप 9 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 2,354 रुपया पर मंथ लगेगा 9 मंथ के लिए। अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 1,796 रुपया लगेगा। अगर आप 18 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 1,248 रुपया। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आपको जिसमें लेना आपको क्लिक कर देना है। चलो मैं 3 मंथ में मैं लेता हूँ। तो सिंपल सा कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएंगे, जो कि अभी नेट सोलो चल रहा है, तो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ आपको कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको मंथली डाल देना है, और यहाँ पर ईयर डाल देना है, यहाँ पर आपको CVV आपको नंबर डाल देना और कंटिन्यू कर देना है। जो आपका क्रेडिट कार्ड से आपको हर मंथ मतलब 3 महीना के अंदर में उसका आपका कट जाएगा, और आपका जो डिलीवरी डेट दिया जाएगा उस दिन आपका मोबाइल डिलीवरी हो जाएगा, और आपका क्रेडिट कार्ड से पैसा कट 3 महीना में हो जाएगा, 3 महीने के अंदर पूरा कट हो जाएगा, और आपका मोबाइल पूरी तरह से आपका हो जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं EMI पे फ़ोन, मतलब आप फ्लिपकार्ट से इस तरह EMI से आप फ़ोन खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।